देहरादून के रायपुर में बनने वाले विधानसभा और सचिवालय के लिए केंद्र सरकार ने 7 हेक्टेयर भूमि की मिली सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द कर दिया है। इसके लिए केंद्र ने मंजूरी के नियमों का सही ढंग से पालन न करने का आरोप लगाया। इस मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अब नए सिरे से मंजूरी के लिए आवेदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, धन के लिए आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अगर कहीं पर भी कोई कमी रही है जिसकी वजह से एनओसी को रद्द किया गया है तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए सिरे से केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा उद्देश्य ये रहा कि देहरादून में जो विधानसभा है वह शहर के बीचों बीच में है और विधानसभा सत्र के दौरान स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में रायपुर क्षेत्र में विधानसभा और सचिवालय बनने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। 16 से उसमें कोई काम नहीं हुआ तो पहले की सरकारों ने भी उसे लटकाया सर, इस बीच में भी लटक गया, कब तक ये काम शुरू हो पाएगा सर? अगर उसमें बनना है सचिवालय विधानसभा तो फिर देरी है। देखिए आप जानते हैं ये 2016 में जब हरीश रावत जी की सरकार थी उन्होंने इस पे कवायद शुरू की थी और ये भी आपको जानकारी है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, मैं अध्यक्ष विधानसभा, मैंने भी थोड़ा एक प्रयास किया था लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से केंद्र से जो उनकी अनुमति थी उसको रोका गया है। अब हमारा ये प्रयास होगा कि जो आज हमारी विधानसभा है, मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि जिस जगह आज की तारीख में विधानसभा है वहाँ जब सत्र चलता है आप देखिए कितनी दिक्कत वहाँ की स्थानीय जनता को होती है या जो बाहर से यात्री श्रद्धालु या पैसेंजर बाहर से आगंतुक आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। तो ठीक है उस टाइम की जो रचना थी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे अलग से विधानसभा हो जाएगी तो लगभग आम आदमी को इससे परेशानी से बचत हो जाएगी। तो हम प्रयास करेंगे, नया प्रस्ताव फिर हम भेजेंगे और प्रयास भी करेंगे कि कम से कम जो हमें जगह भी आवंटित है धन भी आवंटित है तो उसमें यदि अनुमति मिल जाएगी तो हम उसमें फिर आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं अभी उसकी तैयारी क्या है, मतलब क्या फॉल्ट क्या आया उसमें? कई पहलू होते हैं, कई मानक होते हैं जिसपे सहमति असहमति होती है, कार्यकाल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बाद हमारा प्रयास होगा कि हम इसको दोबारा से सही से फिर अपना आग्रह प्रस्तुत करें ताकि हमारा वो विषय पूरा हो सके। बजट का प्रावधान आप बता रहे लगभग कितना बजट?